ऑयल्स अभी यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, सैंडविच सैंडविच बनाएंगे करके वेजी उसको बनाएंगे। मैंने वीडियो देखी थी उसमें देखे थे, मौसम अच्छा होगा। वो प्लेट में रखो, प्लेट दे दे, इस प्लेट में दे दे, मुझे बड़ी मशरूम धो दे, तुम भी काम देना। नहीं नहीं बोलिए कंचन दीदी, आज आप हमें क्या बना के खिला रहे हो? आज मैं डिंपल को बना के खिला रही हूँ। वैसे तो डोली वाली डाइट पे है, खाएंगे नहीं। तो फिर ये वेजिटेबल सैंडविच है तो ये तो खा सकते हैं हम। हाँ, फ्रेंड के लिए मतलब ये वाले सैंडविच में भी बनाते हैं, मैंने वीडियो वगैरह में देखा था तो ये अच्छे बनते हैं, दिखने में बहुत टेस्टी थे। मशरूम वाले सैंडविच बनाऊंगी मैं, ब्लॉग तो बनाती नहीं है, तू बता गाइस क्यों नहीं बनाती गाइस? एक्चुअली इसकी इतने दिन तो आंख में वो होता रहा, इसकी हो गई थी एक्चुअली ये कहा राजू की तरफ, लेकिन राजू बता रहे क्यों नहीं बना रहे थे इतने दिन, तो खो गई थी, अपने आप को ढूंढ रही थी कि मिली रसोई में ही सो ज्यादा ख्यालों में खो गई थी, इसलिए अब जाके अब मिली है, तो इसलिए अब हम इसके साथ अब मैं वापस ब्लॉग पे आ चुकी हूँ। अब ये जरूर ट्राई करेगी कि ये डेली ब्लॉग बनाए, न्यू रेसिपी बनाए, ब्लॉग हो सके तो ब्लॉगिंग करे, ठीक है? अब ट्राई कर, क्योंकि आपने भी ठीक होने में इसके 20 दिन तो लगाए थी। हाँ, पूरा 20 लग गए, पूरे लगाए, पूरा महीना लगा है मुझे इसके ऊपर। छिलके क्यों उतार रही है? अरे ये छिलके उतार देने चाहिए। हाँ क्यों, अच्छे हो जाते हैं छिलके? हाँ ये पूरे ये निकल जाते हैं ना पूरे पूरे छिलके। अच्छा सही रहती है, अच्छी रहती है। आप मैं तुक्का लगा रही है क्या? नहीं मैं मशरूम में भी वो उतार बनाए। हाँ उतारते हैं सारे। हाँ मैंने तो देखा उतारते हैं, उसमें भी उतारा थे मैंने तो मशरूम, तो क्या पता जब बनाते तो हैं यार तुमने मशरूम खाया भी है? हां एक बार खाया था, इसमें बहुत ज्यादा टेस्टी आया था यार। चटनी बना लेते हैं, ठीक है? हाँ तभी मिलेगा। आधा आधा काफी है क्या? नहीं आधा आधा, क्योंकि वो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, कड़वा हो जाएगा। अम्बी भी लाए हो? हाँ ये रखो ना। तुम इस मैंगो को अम्बी तो नहीं समझते बोल रहे? नहीं यार ये अरे मुझे भी यही लग रहा था ना, क्योंकि मुझे यही दिख रहा है ना। नहीं नहीं तो यहाँ पे सारे वेजेस हो चुके हैं, कट काफी है ना। सो गाइस इसके अंदर डाल दिया है हमने क्या क्या डाला था, पुदीना, हरा धनिया, लहसुन, अम्बी, प्याज और एक छोटा सा ये बन रही है चटनी, और ये सारी की सारी वेजेस मैंने कट कर दी है। अभी इसको गर्म करते हैं टोली, मुझे हाँ फैबिन दे दे, कुछ कर रही है क्या? ओके बटर है ना, बटर है मैंने निकाला भी था। हाँ बटर। सो यहाँ पे चटनी बन के रेडी हो गई है, और यहाँ पे वेजेस को रोस्ट किया जा रहा है, थोड़ा थोड़ा बटर डाल रहे हैं, थोड़ा तो नहीं थोड़ा सा एक्स्ट्रा है बस। क्या कह रही थी? थोड़ा थोड़ा बटर डाल रहे हैं, फिर मैंने कही थोड़ा तो नहीं है ये, थोड़ा एक्स्ट्रा है, थोड़ा सा मिल जाता है। हाँ नमक और काली मिर्च दे दे, नमक और काली मिर्च ये पड़ी, नमक डाल इसमें से ले लीजिए। तो पहले इसमें आप डाल दो थोड़ा नमक और काली मिर्च भी डाल दो, थोड़ी थोड़ी रोस्ट हो जाएगी। हाँ हम दीदी बना देंगे ब्रेड को लगा के, फिर उसके बाद हमें ब्रेड को वो करना है क्या? वो तो बाद में गर्म करेंगे टेस्टी बन गई। चटपटी बन गई, क्या चटनी बनाएंगे? मेरे हाथ पे लग गई, टेस्टी है। सो अभी यहाँ पे बटर वगैरह लगा दिया है, बटर तो सही है ना, हम इसमें स्वीट कॉर्न्स भी डाल सकते हैं और इसमें चीज भी रख सकते हैं। स्वीट कॉर्न्स तो खराब हो गए थे, कल ही फेंक दी मैंने, स्लाइस वाला चीज है। हाँ अभी मैं दे दे इसमें वो डाल देते हैं,
और भी कुछ डालने का हो तो ये भी है, दूसरे वाला भी है। नहीं नहीं वो थोड़ी चाहिए, डोली चाहिए तो नहीं, बस इसको रख दे वहाँ के। आ जा एक्सपायरी नहीं है ना, ये वाला चीज डालेगा। नहीं एक्सपायरी नहीं है डोली, बट ये चीज जब डालते हैं ना लगता टेस्टी है। हाँ अरे ये जो है ना बाल्टी वगैरह जो बटोई है, अरे जल गया, ओ ध्यान ही दिया नहीं, बच गया करा रहा है। ऐसे रख दूँ? हाँ चटनी लगाई है, सैंडविच ज्यादा तो नहीं है, चीज चटनी थोड़ी लगाई है तुमने इस पे, थोड़ी छोड़ दो। नहीं चीज ठीक है, पे तुमने सारे ही बंद कर रखे है ना डोली, वो खोल दे दरवाजा थोड़ी देर, खोल रहेगा मने वाले कम डाला है ना। ये फैन भी बंद कर, टेस्ट में कैसे टेस्ट हो, ये एक फैन बंद कर दे। अच्छा बंद अलग से ना, हमारे रूम का भी खोला था दरवाजा, वही डल के पर नहीं अच्छा लग रहा, क्रिस्पी लग रहा है ना, जला नहीं क्रिस्पी है बस है ना। The next day. Hi guys, welcome back to our channel. So guys, कैसे हैं आप सब लोग? I hope आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। So guys, lift आ चुकी हैं। हम लोग जा रहे हैं बाहर शॉपिंग करने के लिए। So guys, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, आप बोल रहे थे हेयर कट करा लो, हेयर ट्रीटमेंट करा लो, कुछ तो करवा लो अपने बालों का, आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो गए। मैं भी बहुत ज्यादा परेशान हूँ क्योंकि इस वेदर में मेरे बाल ना बाउंसी से हो चुके, फ्रिज हेयर है मेरे तो बहुत ज्यादा ना, ये ऐसे उछले उछले से रहते हैं। मैं चाहे हेयर मास्क लगा के हेड वॉश कर लूँ, चाहे मैं नॉर्मली कर लूँ, लेकिन ये ऐसे हो ही जाते हैं। अब ऐसे क्योंकि ये मेरे रिबॉन्डिंग हेयर नहीं है, नेचुरल हेयर मेरे है ही ऐसे, लेकिन ये मौसम के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं। जैसे मेरा रंग बदलता है मौसम के अकॉर्डिंग, ऐसे मेरे बाल भी बदलते रहते हैं गाइस, ठीक है। सो अभी मैं जाऊंगी अपने बाल स्ट्रेट करवाऊंगी कल की पार्टी के लिए, बर्थडे पार्टी के लिए। तो घर पे तो मेरे से ढंग से स्ट्रेट होते नहीं है पूरे, क्योंकि बाल है बहुत ज्यादा कर ली, तो एक एक बाल करना पीछे से, फिर यहाँ से ना बहुत ज्यादा ना वो मतलब ऐसे अजीब से लगते हैं, तो इसलिए मैं बाहर से हेयर ब्रश वगैरह स्ट्रेट करवाऊंगी। अभी हेयर कट वगैरह नहीं करवाऊंगी क्योंकि हेयर कट, यार हेयर कट के लिए मुझे थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, सो इसलिए मैं अभी हेयर कट नहीं करवा रही हूँ, वो मैं फ्री टाइम पे करवाऊंगी। अभी इतना टाइम भी नहीं है क्योंकि राजवी ने शॉपिंग करनी है, इसलिए हाँ चंडीगढ़ जाकर कराना है क्योंकि मुझे बाल अच्छे से सेट कराने हैं। और यार रिबॉन्डिंग स्मूथिंग तो मेरे से अब होती भी नहीं है, मैंने बहुत बारी, मैं 10 साल से करवा रही हूँ मेरे ख्याल से, जब से मैं बाहर पढ़ने गई थी तब से मेरी रिबॉन्डिंग और स्मूथनिंग ही करा रही हूँ, इसलिए मैंने अब करवानी बंद कर दी है रिबॉन्डिंग स्मूथनिंग। उसी की वजह से मेरे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज भी हुए हैं और बहुत ज़्यादा हेयरफॉल भी होता है। यार 10 साल में हर साल मैं करवाती थी, जैसे मेरी स्मूथनिंग खत्म वैसे ही मैं स्मूथनिंग करवा लेती थी, बहुत ज़्यादा करवानी नहीं चाहिए यार इतनी ना। तो अभी चलो गाइस नीचे आ गए, जा रहे हैं गाड़ी के पास और फिर जाके निकलते हैं, यार मिलते हैं आपसे फिर। कैसे हो चीजू आप? हाय डॉली कैसे हो तुम? मैं बढ़िया, आप बताओ कैसी आवाज क्यों बदल गई आपकी? अरे वो एकदम से हो गया ना, क्या हो गया? गाड़ी में बैठते ही दम घुट गया। ओहो इतनी जल्दी? पहले बोल देते थे, मंच पहले की पड़ी मत, बहुत दिन हो गए। पहले बोल देते थे ऑटो सूट करता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, हम ऑटो सूट नहीं करता। सो गाइस अभी ना घर पे थोड़ी देर रेस्ट किया, मैं घर पे गई फिर ना मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई क्योंकि मम्मी भी सो रही थी, तबीयत मम्मी की ढीली है, तो फिर एक डोली ये भी सो रही थी, फिर मैं भी इनके पास जाके थोड़ी देर सो गई, खा के सो गई, ठीक है। फिर राजवीर का फोन आया, मुझे उठाया, तो फिर अभी जा रहे हैं हम लोग क्या कहते हैं हेड वॉश के लिए, एंड उसके बाद थोड़े से काम है। तुम कपड़े उठा के लाए हो घर से मनीर के? पैकिंग के लिए? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ओके ओके, चलो ठीक है। दूध वगैरह ले लिया था? हाँ। लेना है भाई, दो हाथ है दोनों स्टेरिंग पे थे। ये भी सो के आए घर से अभी, चलो नींद में आ रहे हैं, चलो गाइस चलते हैं फिर। नेल एक्सटेंशन भी होते हैं इधर, करवा लूं यहाँ से? करवाए हैं? नहीं करवाए।
एक ही बार कराया था ना वहाँ से, शादी के टाइम पे कराया था बस, पागल ही हो गए थे तब तो हम, कोई काम ही नहीं कर पा रहे थे। अभी भी ऐसे ही लग रहा है कि मतलब कोई काम ही नहीं होगा। मैंने भी नहीं कराया उसके बाद, ज़रूरत ही क्या है, दूल्हे की बारी है करवाने की ना। पल्ले भी करवा लिए क्या? नहीं सही है यार, कराते रहने चाहिए हेयर कट, तभी तो जाके वो न्यू हेयर अच्छे वो होते हैं ना, स्प्लिट इंस वगैरह निकल जाते हैं ना। ये क्या लगा जो चेयर का निशान पड़ गया था यहाँ पे, मैं को पता नहीं कौन सी चोट लगी, अच्छा लग रहे हैं, अच्छे से हो गए ना स्प्लिट, खराब नहीं होते निकलवाए जा रहे हैं आईब्रो के, मैं एक्स्ट्रा हेयर निकलवा जा रहे आईब्रो के, मुझे तो नहीं करवा रही क्योंकि मैंने थोड़े दिन पहले करवा ली थी। मैं तो ये 6-7 महीने बाद करानी है। गाइस मैं आ चुकी हूँ घर पर और अभी हो चुकी है यार रात, और मैं बताना भूल गई थी, मैंने ना एक्चुअली ना अपना हेयर कट वगैरह करवा लिया है यहाँ से ही। पहले मैंने चंडीगढ़ जाना था तो मैंने सोचा यार करवा लेती क्योंकि बहुत ज़्यादा ना नीचे स्प्लिट इंस वगैरह ना बहुत सारे थे, ठीक है। तो अभी हेयर कट करवा लिया अच्छे से, बाल वाल ब्लो ड्राई से सेट वेट करवा लिए, आई होप परसों तक ऐसे सेट रहे, बाकी अगर सेट नहीं रहे तो आपस सेट कर देंगे बालों को अच्छे से। और कल निकलेंगे गाइस पटियाला के लिए एंड फिर मैं आपको मिलूंगी वहां पटियाला, और अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और गाइस अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, व्लॉग अच्छा लगे, लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। Times like all you want to do is run.